हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीवाई बीकॉम के जो फाइनल अकाउंट, इट इज अ कंपनी फाइनल अकाउंट के जो चैप्टर्स है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड कर दी, जहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो आप लोग का स्टेटमेंट है, जो फॉर्मेट है, इसके बारे में बात की। लेकिन अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या क्या लिख कर ले लेना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आसानी से आपको जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, सम पूरा कवर करूंगा, लेकिन मैं यहां पर सम सॉल्व बाद में आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सर तो मतलब नहीं देख के, नहीं डियर फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को देख लिया समझना, उसके लिए कोई भी सम आने दो, बहुत आसान तरीके से करेगा। क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है, जहां पर सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करता हूं आपको 40 मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं, ये जो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, तो नई नई करके आपका 4 to 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको यही चैप्टर में से पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फिक्स इक्विटी शेयर इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स अर्निंग सिक्योरिटीज, उसके बाद में और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, फाइनेंस कॉस्ट मींस कॉस्ट इंकर्ड बाय द कंपनी बोरिंग ऑन लोन कॉस्ट, मतलब अगर हम लोग बात करें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो 4 to 5 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव आपका कहां से मिल जाएगा डीए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2A, सबको दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर नो यस, अरे कुछ तो बोलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, तो द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लेजर अकाउंट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ डुप्लीसिस लिमिटेड ईयर अकाउंटेड, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पर आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर व्हीकल इन्वेस्टमेंट। दो बिल्डिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फर्नीचर ये दोनों आपका फिक्स एसेट है, ठीक है, मोटर व्हीकल फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट क्लियरली यहाँ पे लॉन्ग टर्म दे दिया है, परचेस कहाँ लिखना है, स्टॉक इन्वेंटरी होता है, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल होता है स्टूडेंट्स, एडवांस अगेन कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग, ये शॉर्ट टर्म हो गया एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में सेल्स मतलब होता है आप लोग का इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आपको ओपनिंग का दे दिया था, कि तो कभी का आप बना रहे हो 31 मार्च का दिया है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस को कहां लिखना है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपके साथ में पूरा क्वेश्चन शेयर करता हूं कि कितने मार्क्स के लिए आपको आया था, डिविडेंड रिसीव इनकम होता है, ये भी सैलरी खर्चा है, डायरेक्टर फीस एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे कहाँ आएगी वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, मतलब जितने भी तुम्हारे फिक्स एसेट है ये सारों के ऊपर तुमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है, जैसे कि बिल्डिंग फर्नीचर मोटर व्हीकल्स, ये तीन आपके फिक्स एसेट है ना, इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हैव बीन वैल्यूड, अब देखो कितना हो गया स्टॉक 10,80,000, पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था देखोगे अगर आप लोग, ये रहा आप लोग का ओपनिंग स्टॉक 12 लाख रुपीज दिया है, मतलब कहीं ना कहीं तो ये कम हो गया, इसको काय के लिए दिया बताएगी, हम लोग सब में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए बोल रहा हूँ ये वीडियो नंबर 3 है, पहला पार्ट 1 आप लोग देखना, पार्ट 2 उसके बाद में, ये 3rd में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो जो एडजस्टमेंट आ रहे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उसके ऊपर ना स्टार टिक कर लोगे, क्या टिक कर लोगे, स्टार, ताकि आप लोग को वो सम आसानी से समझ में आना चाहिए। तो जहां पर भी आपको ये सारी जो एडजस्टमेंट दिख रही है, जैसे कि डायरेक्टर हैव टू पे डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, देयर हैज बीन लॉस्ट स्टॉक बाय फायर, इसको कहां लिखना है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट खाली आप लोग का देखा जाए तो दो ही जगह है, तुम्हारा बिल्डिंग फर्नीचर इसके ऊपर स्टार करेंगे, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक पर है, ठीक है, बाकी और कहीं पर भी आप लोग का एडजस्टमेंट नहीं है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब अगर पूरा पेपर चेक करेंगे हम लोग डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में आप लोगों को यही चैप्टर का एक क्वेश्चन और पूछा गया, यहां देखोगे आप लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट, कितना मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया, दिख रहा आप सभी को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है डियर फ्रेंड्स, कितना इजी रहेगा, ठीक है, ये हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब उसके बाद में शेयर होल्डर फंड्स, ये आप लोग का ब्रीफ शॉर्ट नोट है, ठीक है,
देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये 5 मार्क्स 40 मार्क्स हो गया। अब अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड रिसीव इन इन्वेस्टमेंट, ये भी यही चैप्टर का है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर का छोड़ दो। मतलब टोटल अगर मैं बताया जो आपके साथ में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 40 मार्क्स आपको कैसे मिलेगी, सिर्फ याद क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको ये टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है डियर फ्रेंड्स, आप लोग का एग्जाम एक दिन पहले दो दिन पहले अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा। क्वेश्चन कैसा भी रहने देना, आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर क्या दिया हुआ है, किसकी बुक है ये, डुप्लेसिस, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ डुप्लेसिस बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च बोला है, वैसे सबसे पहले आप लोग की बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी बैलेंस शीट, पर्टिकुलर फर्स्ट वन इक्विटी सेम एज इट इज लिख लेना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, उसमें आता है तुम्हारा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, चाहिए तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एज इट इज लिखेगे, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें तुम्हारा एक ही है मोस्टली लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर है थर्ड तुम्हारा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में आपका आता है ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। सम कितना भी हार्ड रहें दो, पहले आप लोग को हैज इट इज उतार लेना है सेम टू सेम क्वेश्चन, उसके बाद में टोटल लिख दोगे। देन सेकेंड है आपका एसेट, एसेट में नॉन करेंट एसेट जिसमें आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सारी चीजें आती है, फिर आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्लियरली दिया रहेगा क्वेश्चन में, फिर सी है तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, करंट एसेट, करंट एसेट के बाद में है करंट एसेट के अंदर इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश रिसीवेबल, अदर करंट एसेट और लास्ट में टोटल। इतना याद रहेगा, क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहने दो, हैज इट इज लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। हाँ सर, इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा आएगा, अगर और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो मैंने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया, सेम टू सेम लिखना, कुछ भी मत बदलना। डन, हाँ सर डन। अब इसके बाद में 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या बोला था बनाने के लिए, देखो जरा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च पहला प्रॉफिट एंड लॉस बोला और बैलेंस शीट भी बोला गया है, मतलब दोनों बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट और अमाउंट, ठीक है। आगे सबसे पहला आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये दोनों को प्लस करने पे टोटल इनकम, हैज इट इज लिखना, कुछ भी चेंजेस मत करना। एक्सपेंसेस, इसमें हेडिंग आएगी परचेज, चेंजेस इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, डन, ये सबको प्लस कर देगी आप लोग टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद में आप लोग माइनस करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, लेस हम लोग क्या करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब कुछ ऐसी चीज है जैसे अभी क्वेश्चन में लॉस बाय फायर था, ये क्वेश्चन में आपके साथ में सॉल्व करने वाला हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहने देगा, आप लोगों को इतना तो बेसिक करना ही करना है, अगर आप लोग इतना कर लेते हो डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हमारा बनता है डियर फ्रेंड्स नोट्स टू अकाउंट, क्या बनेगा नोट्स टू अकाउंट, वो भी मैं आपके साथ में बताता हूं कैसे करते हैं नोट्स टू अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, अब मैंने यहां क्या लिखा हूं इसके हिसाब से आएगी, शेयर होल्डर फंड, अब यहां आ जाना है हम लोग को, क्वेश्चन में ढूंढना है कहीं पर भी शेयर्स के बारे में किस बोला है, हाँ बोला है सर, ठीक है। तो ये पूरा पोस्टिंग हम लोग क्या करने वाले डियर फ्रेंड्स वीडियो नंबर 4 में करेंगे, बिकॉज उसमें हम लोग को डायरेक्टली सम करना है, तो मैंने सोचा कि अगर इसको सेपरेट बनाएंगे, मतलब बिना सम के भी अगर आप लोग इतना लिखते हो और उसके बाद में आप लोग को वन बाय वन क्या करना है नोट्स टू अकाउंट को कैसे प्रेजेंट करना है वो हम लोग वीडियो नंबर 4 में देखेंगे। सो रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स वीडियो नंबर 4 जरूर देखना अगर आप लोग 20 में से 20 मार्क्स लाना चाहते हो। और अभी आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया कि 40 मार्क्स का ये चैप्टर है जो आसानी आपको मिल सकता है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे TYBCOM में, और अगर इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp या Telegram पर भी ऐड हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।